साल 2023-24 का आम बजट आने वाला है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। और 2024 के पहले ये पूरा बजट होगा, क्योंकि अगला बजट तो अंतरिम बजट होगा, इसीलिए लोग सोच रहे हैं कि बजट पूरा है। और कभी कभी हमारी शिकायत रहती है जनता की कि जेब आधी है, पॉकेट आधा है, क्या इस बजट से पॉकेट भरेगा, क्या उम्मीदें हैं दिल में टैक्स पेयर्स के। टैक्स पेयर कहता है कि हम सारे बिल देते हैं, टैक्स देते हैं, बिल दिया है, टैक्स भी देंगे, ए वतन तेरे लिए, लेकिन सरकार क्या करेगी मेरे लिए, ऐसा टैक्स पेयर कहता है। ज़रा पूछते हैं लोगों से ये बजट के बारे में वो क्या कहते हैं। चलिए, क्या नाम है आपका? अल्पना। क्या करती हैं आप? सर मैं एक स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं? यस सर। तो कहाँ से आई हैं? यहाँ पर रहती हैं? नोएडा में रहती हूँ। नोएडा में रहती हैं, यहीं की हैं? कहाँ से आई हूँ? मैं बिहार से। बिहार से? हाँ जी। तो यहाँ स्टूडेंट हैं, तो मुझे लगता है कि आप कोई जॉब साइट में करती हैं, ट्यूशन वगैरह पढ़ाती हैं? नहीं कुछ नहीं, बस। तो खर्चा वर्चा घर से आता है? हाँ जी। कितना आता है, काम वाम चल जाता है? हाँ काम चल जाता है। काम चल जाता है। क्या कोर्स क्या कर रही हैं आप? मैं पीजीडीएम कर रही हूँ। पीजीडीएम? हाँ जी। क्या बनना चाहती हैं आप? एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन। बिजनेस वूमेन। अभी सरकार बजट बनाने वाली है, आपके लिए क्या किया जाना चाहिए? आपको पता तो होगा कि भाई हमारे लिए कुछ ऐसी चीज़ हो जाए। स्टूडेंट के लिए मेरे ख्याल से मेरा ट्रैवलिंग कॉस्ट ज़्यादा है, तो उसको रिड्यूस करना चाहिए। उसको रिड्यूस करना? हाँ जी। और तो कुछ पता नहीं है। किताबें वगैरह उसका कॉस्ट वगैरह हो जाती है? लाइब्रेरी से वो तो प्रोवाइड हो जाती है, बस ट्रैवलिंग कॉस्ट ज़्यादा है। तो मैं उसको ट्रैवलिंग कहाँ से कहाँ ज़्यादा हो? मैं IMS गाजियाबाद से PGDM कर रही हूँ, तो नोएडा गाजियाबाद का जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है उसमें। आप ये चाह रहे हैं कि बाहर से आए हुए जो स्टूडेंट्स हैं वो वगैरह प्रोवाइड करे स्टूडेंट के लिए, कि जो डेली या फिर जो ऑफिस वाले हैं उनके लिए। खर्चा कैसे चलाते हैं आप? कितना आता है, कितना बचाते हैं, कितना क्या किधर खर्चा? वो खर्च के अकॉर्डिंग मिलता है, लाइक कभी किसी, ये कोई मेरा एग्जैक्टली बजट नहीं होता, कभी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। कितना तो आता है फिर भी खर्चा, कितना हो जाता है टोटल यहाँ रहने का, कितना खर्चा आता है? 10 to 15,000। 15,000 टोटल? हाँ। और आपका सारा खर्चा मिला के कितना है? सारा खर्चा मतलब समझी नहीं, मतलब 15,000 में सब कुछ हो जाता है? मंथली 15,000 में हो जाता है। खाना भी उसी में? हाँ जी, खाना भी उसी में। 15,000 वैसे आपको लगता है कि कभी कभी आने में लेट हो जाता होगा, फिर क्या कैसे? नहीं टाइम से वो तो पैसे आ जाते हैं। और अगर मम्मा पापा क्या बोलते हैं? नहीं अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो फिर आप, ऐसा नहीं है कि 15,000 फिक्स्ड है, अगर ज़रूरत पड़ी तो मंगवा भी लेते हैं। मंगवा भी लेते हैं। तो इन लोगों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए बजट में। जी क्या करते हैं आप? सर मैं PGDM स्टूडेंट हूँ। आप भी स्टूडेंट हैं जी? कितना खर्चा होता है कि स्टूडेंट को? आप पीछे से आए हैं या पर यहाँ पर रह रहे हैं? मुजफ्फरनगर से आया हूँ। मुजफ्फरनगर से आए जी। तो कितना खर्चा? पापा मुझे देते हैं, फैमिली वाले 5,000 रुपये महीना। अच्छा जी। तो 5,000 में यहाँ हो जाता गुजारा? जी सारा मतलब हो जाता है। थोड़ा बहुत अप एंड डाउन करना पड़ता है। अप एंड डाउन कैसे करते हैं? अप एंड डाउन क्योंकि जैसे हमारे ट्रैवलिंग में खर्च ज़्यादा होता है, हमारा मेन हाईवे पे है कॉलेज, तो वहाँ से ट्रैवलिंग हमारे बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो क्या चाहते हैं वित्त मंत्री जी बजट बनाने वाली हैं? एक तो एक्सपेंसिव कम हुए, मतलब ट्रैवलिंग चार्जेस, और जो जनरल लोग हैं उन पर ध्यान दिया जाए। जैसे जनरल लोग पिस रहे हैं, मतलब सिलेंडर के दाम हाई हो जाते हैं हमारे, जो गरीब हैं उन्हें फ्री में दान हो रहा है, सब अच्छी बात है करें, पर थोड़ा सा जनरल जो लोग हैं मीडियम क्लास है उनका भी ध्यान रखें कि हाँ वो अपना घर चला सकें। मीडियम मतलब मिडिल क्लास? मिडिल क्लास लोग। अच्छा, उनको सिलेंडर मिलने से दिक्कत है आपको? सिलेंडर बहुत महंगे हो रहे हैं जैसे कि, तो मिडिल क्लास की जो मिनिमम सैलरी फिक्स है उसके, तो जैसे वो 20,000 कमा रहा है, सिलेंडर महंगा हो गया, उसका पूरा बजट बिगड़ गया महीने का, हर चीज़ बिगड़ जाती है, जैसे दालें होगी, फूड्स हो गए, उसका एक मिनिमम फिक्स होता है कि हमें इतना खर्चा करना है एक जगह, जैसे गवर्नमेंट भरा देती है अपना खर्चा, उसका पूरा बजट महीने का पूरा अप एंड डाउन हो जाता है उसका बजट। जी मम्मा पापा क्या करते हैं? डॉक्टर हैं पापा मेरे। तो क्या बनना चाहते हो आगे बड़े होके? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन कैसे बनोगे? सर अभी ट्राई कर रहे हैं, PGDM कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। जरा अपनी मार्केटिंग करके दिखाइए, इधर आपकी मार्केटिंग करके दिखाइए, वित्त मंत्री जी आपकी बात सुन लें, वो मार्केटिंग कैसे करोगे, आपकी बात सुनी जाए, ताकि कैसे करेंगे। कोई बात बोलना चाहेंगे सरकार से आप?
सरकार बस जरा जो उसके खर्चे आ रहे हैं मतलब जो भी बजट आएगा वो सब देख के करे कि हाँ कोई जो मिडिल क्लास है वो ज़्यादा पिसे ना, थोड़ा बहुत हो रहा है कोई बात नहीं, पर थोड़ा सही रहे बस, फोकस मिडिल क्लास का है क्योंकि हम मिडिल क्लास ही हैं। क्या करती हैं आप? जॉब करती हूँ। किस में? कॉर्पोरेट में, केपीओ। केपीओ में। तो घर का खर्चा आप अकेली हैं या फिर घर में कौन कौन है? मेरा घर है मैं आई एम फ्रॉम बरेली, लेकिन मैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट मतलब सिंगल रूप में रहती हूँ, रेंट पे रहती हूँ। रेंट पे रहती हूँ। घर का खर्चा कितना आ रहा है? आ जाता है मतलब अप्रोक्सीमेटली 16,000 हो जाता है, रेंट वेंट सारा मिलाकर। कुछ बचता है जो आप जॉब करती हैं? आपने कहा तो कुछ बचता है, लेकिन अभी मेरी फर्स्ट जॉब है तो मतलब कम अमाउंट बचता है, उतना नहीं बच पाता है जितना मेरे को बचाना चाहिए। कितना बचाना चाहती हैं और कितना बच रहा है? जैसे एटलीस्ट 50% सेव करना चाहती हूँ और 50% स्पेंड करना चाहती हूँ, लेकिन 70% खर्च हो जाता है और 30% बचता है 100%। क्या अब क्या करना चाहती हैं, क्या सपने हैं आपके? कुछ ड्रीम्स होंगे? कुछ सपने हैं, क्या सपने हैं? अच्छा कमाना चाहती हूँ। अच्छा कमाना चाहती हूँ। फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि मेरे को अच्छा अर्न करना है, क्योंकि होगा ये? देखा जाए कि अगर आपकी लाइक पहले के ज़माने में अगर 10,000 सैलरी होती थी तो वो मतलब 1,00,000 के करीब है, लेकिन अगर आज 1,00,000 भी सैलरी है तो वो 10,000 के ही करीब है, उसमें कुछ होता नहीं है। जितना जितना इंसान के पास सैलरी ज़्यादा आती है उसके एक्सपेंसेस जो होते हैं वो उस हिसाब से बढ़ जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली, अगर आपकी 50,000 अमाउंट है तो आपका 50,000 के हिसाब से आप जो ज़्यादा ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करोगे, ऑफकोर्स अगर ज़्यादा अमाउंट का मतलब ज़्यादा सैलरी आएगी, और अगर सैलरी ही कम है तो फिर आप ब्रांडेड नहीं थोड़ा ब्रांड से नीचे आके यूज़ करेंगे, तो एक्सपेंसेस तो बढ़ते ही बढ़ते हैं, तो कितना भी आ जाए पैसा कम ही है, पैसों के पैर हैं चले जाते हैं, पैसा कम ही है, कभी तो लगता है पंख हैं पैसों के। हाँ पैसे तो आते ही पता ही नहीं चलता है। अभी इसी मंथ में मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल ही टोटल 12,000 आया है। 12,000 एक महीने का? दो लोग रहते हैं हम। आपने ऐसा क्या हीटर वीटर चलाया होगा? हीटर चलाते हैं, लेकिन इतना नहीं कि लाइक अभी लाइक गवर्नमेंट के नए मीटर लगे हैं हमारी सोसाइटी में, तो उसके बाद ये बोला था जो हमारी सोसाइटी वाले हैं उन्होंने ये बोला था कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी, कम आएगा खर्चा, लेकिन और पहले कितना आता था? लास्ट ईयर 5,000 आया था, 5,000 to 6,000 हीटर चलाने के बाद, लेकिन इस साल आया है टोटल 12, बढ़ गया मतलब 6,000 मंथ का अप्रोक्सीमेटली। वित्त मंत्री जी बजट बनाने वाली हैं, कुछ कहना उनको? हाँ मुझे ऐसा लगता है कि फीमेल्स के लिए उनको जो टैक्स वगैरह है वो टैक्स मतलब टैक्स नहीं लगाना चाहिए, जो भी फीमेल्स की जितने भी सर्विसेज होती हैं, जो भी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं या जो भी हम सर्विसेज लेते हैं, फॉर एग्जांपल कैब सर्विसेज या मेट्रो सर्विसेज, रेलवे सर्विसेज, इन सब पे ऑफ होना चाहिए, टैक्स फ्री होना चाहिए, टैक्स फ्री होना चाहिए फॉर फीमेल्स। तो टैक्स फ्री होना चाहिए। और आप कन्वेंस वगैरह की बात कर रहे हैं, और कौन कौन सी चीज़? और सारी हम लोग जितना भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं ग्रॉसरीज और सारा टैक्स फ्री कर दें, फिर बचेगा क्या उनके पास में? आप तो अच्छा, ये केवल विमेन के लिए क्यों? अल्लो पुरुष बोलेंगे लो हमारे साथ तो ये धोखा हो गया जी, हम कमाएं, हम भी कमा रहे हैं, वो भी कमा, आप भी कमा रहे हैं, क्योंकि वो लोग तो ऑलरेडी कमा ही रहे हैं ना ज़्यादा। और मोस्टली अगर हम देखे जाएं तो मेजॉरिटी ऑफ मेल्स ही हैं जो ये सारे बिजनेस करते हैं, फीमेल्स तो कहाँ करती हैं। नहीं, फीमेल्स आ गई, बहुत बड़ी बड़ी बिजनेस पर्सन बनी हुई है, मेजॉरिटी अगर देखी जाए तो मेल्स की है। हाँ मेजॉरिटी है, लेकिन अब बढ़ रही है। तो क्या करना चाहिए बताइए, क्या कहीं टैक्स आपने कम करने के बोला, कहाँ लगा देना चाहिए टैक्स, लगा दें कहीं? हाँ कहीं कहीं लगना चाहिए, अल्कोहल पे लगना चाहिए। अल्कोहल पे लगना चाहिए, जो ऐसी चीज़ें हैं जिनका कोई यूज़ ही नहीं है। नहीं उनका बहुत यूज़ है, बुरा मान जाएंगे वो। उनका यूज़ है, लेकिन कहीं कहीं पे वो चीज़ जो है वो नेगेटिव इफेक्ट भी देती है, पीने वाले बुरा मान जाएंगे। हालांकि वो जो चीज़ है वो राज्यों के हिस्से में आती है, वो राज्य सरकारों के पास होती कहीं है, कहीं पे तो बैन भी है। हाँ। ड्राई स्टेट्स भी है, बैन है, वो चल रही है अंदर ऐसा बोल रहे हैं। अब जो भी है, मेरे को इतना नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अल्कोहल पे होना चाहिए। अल्कोहल हाँ। लिपस्टिक पे क्या कर रहे हैं? लिपस्टिक पे टैक्स कम होना चाहिए कि बढ़ना चाहिए? वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है उसमें, तो टैक्स वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले 200 की आती थी, अभी 300 की भी आती तो भी चलेगा वो चलेगा इतना चलेगा।
लेकिन अल्कोहल ब्यूटी प्रोडक्ट पे अगर टैक्स होता है तो महसूस नहीं होता है ना, छोटी चीज है लाइक ब्यूटी। अगर हम देखा जाए, अगर हम टैक्स की बात करेंगे तो ब्यूटी बहुत छोटी चीज है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अल्कोहल पे होना चाहिए। हाँ, पीने वाले बुरा मान जाएंगे पक्का इनसे। चलिए आइए, क्या करते हैं आप? एसी का काम करते हैं। एसी का काम करते हैं जी। तो हर एक एसी पे फिक्स है कुछ या फिर महीने भर में अलग 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 अलग? नहीं, वो काम के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह। महीने भर में कितना हो जाता है सर? महीना में वही तो मैं वो नेट इनकम काम पे ही डिपेंड करता है। महीने में लास्ट में आपके पास सब कुछ मिला के कितना जाता है? वही करीबन 60 के आसपास, 50 से 60 के आसपास। 50-60 बचता है थोड़ा बहुत? हाँ, बच जाता है। बच जाता है। कितना बचता है? 35 से 40। तो कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं LIC या फिर कोई ऐसी योजना या शेयर मार्केट में? इन्वेस्टमेंट है, वैसे शेयर मार्केट में तो इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। SBI में इन्वेस्टमेंट है और पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट है। जी, सरकार बजट बनाने वाली है अभी, क्या कहना चाहेंगे सरकार को? नहीं, सरकार बजट बनाने वाली अच्छी बात है, वो बनाए। इसमें हमारा इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा, ये हमारा इकोनॉमी अच्छा होगा। आपकी इकोनॉमी कैसे अच्छी होगी बताइए? मतलब हमारा देश का इकोनॉमी अच्छी होगी। देश की इकोनॉमी। हाँ, सरकार तो बोल रही है कि हमने ऐसी पॉलिसीज लाए हुए हैं कि उससे इकोनॉमी कोरोना के बाद भी बाकी देशों से ज़्यादा अच्छी है, ऐसा बोल रही है सरकार। तो आप बताइए अपने लिए क्या चाहिए अभी, आपको ध्यान में रख के मान लो बजट बने, क्या किया जाए? हमारे लिए बजट बना करके ध्यान में रखने के लिए तो क्या है कि सबसे पहले कि बेरोजगारी का जो दौर है अभी बहुत ज़्यादा। आप तो रोजगार पाए हुए हैं? नहीं, मतलब मेरा नहीं, और कुछ हैं जो एजुकेटेड हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, रिजल्ट लेट आ रहा है, और जैसे और जो नहीं दे रहे हैं, एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, मैं उनके लिए यही बोलूँगा कि वो कोई ना कोई अपना हाथ का स्किल सीख लें और काम करें। ये नहीं कि सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे बैठे रहें, से सरकारी नौकरी मिलेगा तभी हम कमा सकते हैं। उसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं, अगर हम होम अप्लायंस का काम सीख लेते हैं। आपके जैसे? जी बिल्कुल, काफ़ी हैं। अब इसमें सिर्फ एसी नहीं है, होम अप्लायंस में देखा जाए तो काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं। किसी का भी अगर हम काम सीख लेंगे तो अच्छा से काम कर पाएंगे। जैसे हम अर्बन कंपनी, एक कंपनी है अभी दिल्ली में, अर्बन कंपनी, उसके साथ जुड़ करके काम करते हैं। इसमें काफ़ी सारे हैं, दिल्ली NCR में कम से कम 3,500 से 4,000 टेक्नीशियन हैं, काम करते हैं, और सिर्फ एसी का। सभी लोग करीब करीब 60,000 के आसपास कमाते हैं? हाँ बिल्कुल, कुछ लोग ज़्यादा भी कमा लेते हैं। अच्छा, अपना एक तक? हाँ बिल्कुल, अपने स्किल पे डिपेंड करता है, वो जितना ज़्यादा मेहनत करते हैं इस फील्ड में उतना ज़्यादा है। एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा उनके पास एक्सपीरियंस है काम का स्किल। आपको मतलब बजट में कुछ चाहिए नहीं ऐसा लग रहा है, क्योंकि सारा मामला फुल है जी बजट में। देखिए, बजट में ऐसा कुछ तो है नहीं, जैसे इधर पहले से भरा हुआ है पेट है। मेहनत कर रहे हैं हम और बस ये है। वाह, टैक्स वैक्स भरते हो? टैक्स, हाँ टैक्स तो भर रहे हैं, इसी साल से स्टार्ट किए हैं ITR फाइल करना। उससे पहले नहीं करते थे? नहीं, उससे पहले वैसा कोई सोर्स नहीं था, इनकम का ही नहीं था। क्या करते हैं आप? सर मेरा एक छोटा सा बिजनेस है, हेल्थ केयर का काम करते हैं जी। खर्चा वर्चा घर का कैसा चल रहा है अभी? जिंदगी कैसी चल रही है? जिंदगी सही चल रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो बेसिक नीड्स हैं और जो टैक्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा है, जस्ट लाइक GST बहुत ज़्यादा है। अच्छा, जो आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। अगर सपोज हम कोई भी आइटम्स लेकर आते हैं किचन के या अपने घर के, तो मैक्सिमम पर 18% GST है, वो बहुत ज़्यादा है, एंड यूज़र के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्या होता है, अगर हम अपने एक तरफ हमारी इनकम आ रही है, जो हमारी सैलरी है, तो सैलरी पर ऑलरेडी हम एक अपना इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, और उसके बाद क्या होता है, कोई भी आइटम अगर हम सपोज शूज़ खरीदने जाते हैं, कपड़ा खरीदने जाते हैं, कहीं 5% है किसी आइटम पर, 18% है, कोई घर का प्रेशर कुकर लेने जाते हैं या हम चूल्हा लेने जाते हैं, तो वहाँ पर 18% GST है, जो कि एक तरह से बहुत ज़्यादा टैक्सेस हो जाते हैं। और अल्टीमेटली मैं आई एम एज अ टैक्स पेयर, अगर आपसे बात करूँ तो सर गवर्नमेंट मेरे को क्या दे रही है? टैक्स के बदले मेरे को तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, और अगर मैं हॉस्पिटल भी जा रहा हूँ तो हॉस्पिटल में भी ऑलरेडी मेरे को पैसा ही पे करना पड़ रहा है। नहीं, सरकार तो कई योजनाएं चला रही हैं, बहुत सारी योजनाएं नहीं तो आयुष्मान चल रही है सर, गरीब आदमी के लिए, टैक्स पेयर के लिए तो क्या है आप बताइएगा? टैक्स पेयर के लिए तो कुछ है नहीं ना। आप चाहते हैं अलग से कुछ ऐसी सुविधा हो, टैक्स पेयर थोड़ा सा अपलिफ्ट महसूस करे कि हम भाई विशेष सर होना चाहिए। सपोज अगर किसी कितने लोगों को कोरोना हुआ सर, जो उनका हेल्थ, मैं हेल्थ इंश्योरेंस पे कर रहा हूँ,
तो हेल्थ इंश्योरेंस के बिहाफ पर मेरे को हॉस्पिटल से सर्विसेज मिल रही हैं, गवर्नमेंट तो मेरे को कुछ नहीं पे कर रही है ना। अगर मान लो टैक्स पेयर है, टैक्स पेयर को कोई इनकम टैक्स जो पे कर रहा है उसके लिए अगेंस्ट भी तो उसको कुछ मिलना चाहिए, उससे गवर्नमेंट का भी फायदा होगा कि टैक्स पेयर्स की ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स पेयर्स की कैटेगरी में आएंगे। अभी लगभग 7 करोड़ के आसपास टैक्स पेयर हैं, और डायरेक्ट टैक्स देखें तो इस साल लगभग 15 लाख करोड़ के आसपास अनुमान है कि डायरेक्ट टैक्स इतना आ जाएगा। जीएसटी होना चाहिए, बहुत नॉमिनल जीएसटी होना चाहिए। नॉमिनल जीएसटी क्या सारे स्लैब्स हटा दें? नहीं, स्लैब्स नहीं हटाएं सर, स्लैब्स कम करें। जो 28% जीएसटी में आ रहा है, एयर कंडीशन के बहुत सारे आइटम्स हैं जो 28% जीएसटी के स्लैब में आते हैं। अब आप सोचो अगर 28% जीएसटी होगा और उधर 30% जीएसटी पे करें तो मोर देन 50% तो आपका टैक्सेस में ही चले जा रहा है। पेट्रोल डलवाने जाते हैं सर आप, जो उसका जीएसटी के दायरे में लेकर आए। या आप सोचो अगर मेरे को ही आपको इनकम टैक्स भी पे कर रहे हैं तो जीएसटी का हमें क्या फायदा मिल रहा है? तो डबल टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट। अगर हम जीएसटी पे छूट, टैक्स पेयर को कुछ अलग छूट आपने कहा, ये तो वह टैक्स आपने घटाने की बात करी, किस पे टैक्स लगा दें? सर जी भड़काऊ भाषण लोग दे रहे हैं आजकल, जो भी नेता हो किसी भी पार्टी का हो, ऐसा नहीं किसी स्पेसिफिक पार्टी, कुछ भी आकर जनता के बीच में आके भड़काऊ भाषण दे देते हैं और उसको वर्णवाद में बांट देते हैं, समुदाय में बांट देते हैं। तो इन लोगों पर सबसे ज्यादा टैक्सेस लगने चाहिए, उनको बयान देखते ही उन पर जुर्माना ठोक दिया जाए। सबसे ज्यादा जुर्माना उन्हीं पर लगना चाहिए। अच्छा, समुदाय विशेष में किसी को एक आएगा किसी दूसरे समुदाय के खिलाफ भड़का देगा, दूसरा आएगा वो तीसरे के खिलाफ कर देगा, कोई आएगा किसी पर बयान दे देगा, वो नहीं देने चाहिए। राजनीति बंद करवाओगे आप सब? नहीं सर, राजनीति बंद नहीं होगी, बल्कि पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में लेकर आना चाहिए। सर आप सोचो अगर एक पियोन के लिए आप जाते, मतलब कोई एक पियोन की भी है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसके लिए भी सारी रूल रेगुलेशन फॉलो होते हैं। नेताओं के लिए क्या जरूरी नहीं है? नियम बना रहे हैं सर, नियम बना रहे हैं। कोई भी कानून कायदा बनता है तो वहाँ वो संसद में बनता है। अब सर संसद में मैं और आप तो बैठे नहीं ना, तो उनका भी क्राइटेरिया होना चाहिए कि जो नियम है या कानून कायदे बन रहे हैं वहाँ पर भी लोगों को पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक एलिजिबिलिटी टेस्ट सबका होना चाहिए ना सर। जी जी, क्या करते हैं आप? मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ और मैं हेड ट्रांसपोर्ट करता हूँ स्पेशली। तो घर का खर्चा वर्चा कैसा चल रहा है? घर का खर्चा तो एकदम सही है, बढ़िया चल रहा है, बट डेफिनेटली जो इन्फ्लेशन रेट है या बाकी चीज़ें हैं उसमें कहीं ना कहीं आदरणीय वित्त मंत्री जी से या शासन से उम्मीद है कि टैक्स पे स्पेशली जो मध्यम वर्ग है या थोड़ा सा अपर मीडियम वर्ग है उसको टैक्स की छूट में थोड़ी सी दिया जाए, बिकॉज टैक्सेशन एक जो हम लोगों का है स्लैब जाता है बहुत ज़्यादा है, उसमें हम लोग चाहते हैं डेफिनेटली कि कुछ ना कुछ कमी आए या टैक्स स्लैब में रिवीजन करने का वित्त मंत्री जी से। मतलब आप चाहते हैं कि वो जो बेसिक्स छूट है वो बढ़ाई जाए। कुछ लोग तो बोल रहे हैं 10 लाख के ऊपर भी जो अब स्लैब है वो भी। इन्फ्लेशन का रेट चल रहा है 7% 8% और जो महंगाई है उस हिसाब से डेफिनेटली वो अगर 5 लाख की छूट की जगह वो 10 लाख की रेंज में जाता है और ऊपर की रेंज में, तो डेफिनेटली हमें जो है इसके लिए सहूलियत मिलेगी। आप जी? मैं इनकी वाइफ हूँ। वाइफ हैं। हाँ, ये गृह मंत्री बताएंगे घर खर्च कैसा चल रहा है। इनको तो बहुत अच्छा लग रहा है, सब अच्छा चल रहा है। घर खर्च मैनेज करना पड़ता है बट हो जाता है, बिकॉज अगर फैमिली में दो लोग वर्किंग हैं तो ठीक है, बट आई थिंक अगर एक ही मेंबर वर्किंग होगा तो काफ़ी डिफिकल्ट होता होगा मिडिल क्लास के लिए। आप भी वर्क करते हैं? जी जी, आई एम वर्किंग जी। बच्चे? है, बेटा है। बेटा है, हाँ जी। स्कूल की फीस महीने की कितनी जाती है उसकी? सर आप बताइए। 20,000 रुपये महीने की है। 20,000 रुपये महीने की। कौन सी क्लास में है? क्लास 3rd में है वो अभी। 20,000 महीने इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन? अच्छा, लोटस वैली में पढ़ता है वो। अच्छा, तो ये कुछ लोगों के लिए तो सैलरी है 20,000 रुपये। 100% हाँ, वो चैलेंज है, इसीलिए हाँ। तो टैक्स स्लैब के लिए बात हो रही है, थोड़ा सा टैक्स स्लैब में हम लोगों को मिले, बिकॉज आज की डेट में 30% स्लैब में जाने के बाद बड़ा चैलेंजिंग रहता है। क्या किचन विचन में थोड़ी मतलब गड़बड़ी हो रही है? खींच के तो नहीं चल रहा है हाथ? नहीं, खींच के तो नहीं चल रहा है, ठीक है, मैनेजर चल रहा है जी। सुनने में आया कि ज्वेलरी जो इम्पोर्टेड ज्वेलरी महंगी हो जाएगी। ये तो टेंशन की बात है। क्योंकि प्लास्टिक और इम्पोर्टेड ज्वेलरी और बहुत सारी ऐसी चीज़ जो हमारे यहाँ बनती हैं ज़्यादा, तो सरकार चाहती है यहाँ के जो आत्मनिर्भर अभियान है उसको बढ़ावा दें, तो बाहर से आने वाली चीज़ सब महंगी हो जाएगी।
नहीं, ये तो खैर अच्छी सोच है कि आत्मनिर्भर चीज़ों को बढ़ावा दे, मतलब हमारी कंट्री की इकोनॉमी और हमारे लोगों को रोज़गार मिले, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये सोच अच्छी है और हमें भी फॉलो करना चाहिए कि हम यहाँ की चीज़ें लें। अभी कितना फ़ायदा हो रहा, बचा कितना लेते हैं, हम जानना चाहते हैं सेविंग्स कितनी हो जाती महीने की। सेविंग्स देखिए, ये तो आपकी अपनी पॉकेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से अपनी सेविंग्स कर रहे हो या क्या नहीं कर रहे हो। मतलब जो एक बचना चाहिए उस हिसाब से तो बचत नहीं हो पाती। कितने परसेंट बचते हैं जैसे परसेंटेज? आइडियली तो बचाना चाहिए आदमी को 30% के आसपास, बट 30% नहीं बच पाता, 5-10% के आसपास। 10% बचा ले रहे हैं, लगभग उतनी बचत होती है। कंटिंजेंसी प्लान वाले सब मिला के वो सब तो है ही, वो सब तो रहता ही है, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा असर लग नहीं रहा है। आपके पास में ये थैले वाले देख के मुझे लग रहा है आपके ऊपर महंगाई कोई असर है नहीं, शॉपिंग पूरी फुल। अभी तो डिस्काउंट चल रहा है तो उसके हम लोगों ने सेल के जो है एंजॉय किया है, सेल का हम लोग सेल में देख के हम लोग यही करते हैं, थोड़ा प्लान्ड वे में चलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं सेल वो केवल वैसे लिखा रहता है सेल, रहता कुछ और ही मामला है, वो थोड़ा बहुत जरा बहुत इधर होता है, इस पे थोड़ा घटा देते हैं उधर बढ़ा देते हैं। जनवरी के समय पे तो नहीं, इस टाइम पे आती है अच्छी सेल। हां जी, मिल जाता है, फायदा मिल जाता है। हम लोग सेल जीवी लोग हैं।